Man, the bread earner. Man, the decision maker. Man, the head of the family. Man plays many roles, but often forgets to play the most important role, that of an understanding partner. There's a lot of talk about the gender equality, but we still live in a society which has very clear spaces demarcated for men and women. मैं लास्ट तीन साल से HIV पॉजिटिव हूँ। मैं 1996 के अंदर ट्रैवल्स लाइन में था और मैं वो कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और जब मेरा रिपोर्ट आया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था और ये सोच रहा था कि अब मेरी जिंदगी जो है वो क्या है, एक प्रश्न बनकर रह गई थी। बॉम्बे में इसलिए गया कि वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जिसके पास भी कंपिटेंसी है, जिसके पास भी गुणवत्ता है, वही आगे जाता है। और वहाँ जा कर के मैंने अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप किया और सारे सेटअप के बीच में सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती रहीं। और उसी बीच में मुझको जब सारा प्रोसेस अच्छा जा रहा था, स्वास्थ्य ख़राब मेरा लगातार पिछले 3 महीनों से चल रहा था, मैंने अपने जा कर के फैमिली डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया और फैमिली डॉक्टर ने उस समय मुझको ट्रीटमेंट के साथ में ये एडवाइस किया कि आपको एक बार अपना HIV टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और मैं HIV टेस्ट कराने के लिए गया और जब मेरी शाम को रिपोर्ट आई, HIV टेस्ट की रिपोर्ट वॉज द पॉजिटिव, तो एक बड़ा अंधेरा सा छा गया क्योंकि कुछ अचानक लाइफ ने यू टर्न ले लिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन इंडिया एज इन द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, विमेन्स वल्नरेबिलिटी टू HIV इन्फेक्शन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनइक्वल जेंडर रिलेशंस। द मेन इज पॉजिटिव फ्रेमवर्क फॉस्टर्स कंस्ट्रक्टिव मेल इन्वॉल्वमेंट इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ। इट ऑल्सो हेल्प्स मेन टू डिवेलप देयर नॉलेज एंड स्किल्स for voluntary counseling and testing, disclosure of their HIV status, practicing safe sex, sharing responsibilities and making decisions with their partners and not for them. The Engender Health has come up with this particular project of Man as Partner, very well match with our philosophy and policy that men's involvement in the program is very, very essential. In India, 90-95% of women are getting infected from their husbands. And therefore, change of behavior of husband is very, very essential. ऐसे लोग हैं कि जिसको प्रिवेंशन के बारे में भी पूरा पता नहीं है और खास करके पॉजिटिव प्रिवेंशन के बारे में भी पता नहीं है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है HIV, पहला तो HIV पॉजिटिव पर्सन के थ्रू ही दूसरे को लगने के चांसेस है, तो क्यों ना हम उसी पे रोकथाम पहले करें कि वहीं से हम प्रिवेंशन का काम शुरू करें कि हमसे दूसरे लोगों को HIV का चेप ना लगे। और कई बार ऐसा होता था कि उसको डिप्रेशन में कि एक डर की वजह से वो अपना स्टेटस अपने पार्टनर्स को बताते नहीं थे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताते नहीं थे और इसकी वजह से जाने अनजाने में वो एक दूसरे को भी इन्फेक्शन दे देते थे। मुझको एक अवसर मिला दिल्ली में एक कार्यशाला अटेंड करने का, जिस कार्यशाला में पूरे देश के बहुत से पॉजिटिव लोग आए थे और उस कार्यशाला में मैंने जा करके महसूस किया कि बहुत से दूसरे ऐसे HIV पॉजिटिव व्यक्ति हैं जो HIV पॉजिटिव होने के बावजूद एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और स्वस्थ जीवन जीने के साथ में वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, समाज में एक उनका बहुत इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन है और ये चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। और फिर मैंने वहाँ पे एक पॉजिटिव व्यक्ति से पूछा कि मैं भी उत्तर प्रदेश में काम करना चाहता हूँ, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, कैसे काम कर सकता हूँ। तो उनका एक जवाब मुझको आज तक बहुत अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है, तुम जहाँ से काम शुरू करोगे वहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने भी हिम्मत बनाई, एक हौसला बनाया और अपने HIV पॉजिटिव
दोस्तों के साथ जुड़ गया और वो संगठन, वो समूह, नेटवर्क, उसमें जाने के बाद मैं अपने चेवी स्टेटस को लेकर थोड़ा बहुत बाहर आया और जीना सीखा। Men who had no formal schooling whatsoever took up active roles as MAP advocates. They consciously tried to change their lifestyle and become more gender sensitive. A 5-day training of trainers workshop was conducted in UP and Gujarat, where about 40 MAP advocates from GSMP Plus and UPNP Plus, along with 4 NGOs, were trained to impart further training on positive prevention to men living with HIV/AIDS in their respective districts. As a trainer, ये जो manual develop हुआ है gender health का positive prevention concept पे, वो अपने आप में excellent है और user friendly है. मैंने अभी तक बहुत सारे manuals देखे हैं, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल different है. ये जो भी यहाँ पे चर्चा होगी, सब आपके अनुभव, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए अनुभवों से ही बातें हो पाएंगी. जब कंटेंट डेवलपमेंट का वर्कशॉप हुआ, तब मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि हमें यहाँ अपनी लाइफ में जो हम कर रहे हैं वो दिखाना है, और उसके आधार पे फिर हमें डिसाइड करना है कि क्या मैनुअल होना चाहिए पॉजिटिव प्रिवेंशन के लिए. मैनुअल में हमने जो जिस चीज़ें डाली हैं, पुरुषत्व या मर्दानगी वाली जो बात है, या जेंडर बेस वाली बात है, वो चीज़ें कहीं नहीं दिखाई गई हैं, और वही चीज़ें इस ये इमोशंस को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. स्त्री हमेशा पुरुष का सिर का ताज रही है, वो हमें जन्म देती है, उसके हिसाब से हम स्त्री का आदर करना सीखना चाहिए. ये प्रोग्राम हुआ तब से मेरे को ऐसा लगा मैं दुनिया को भी बता सकता हूँ कि मैं भी पॉजिटिव होके भी मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ. सुनने के बाद मेरे को जीने का उमंग भी हो गया. मेरी पॉजिटिव है तो हमेशा मैं निरोध का उपयोग करूँगा, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा है. The attitudinal change is very, very difficult. It is not going to happen in a day or two. This is a pilot project of 1 year in which we have successfully motivated 25 people in the Gujarat state and 15 people in the Uttar Pradesh. I think in these cases, disclosure of their status is the first sign of positivity. After being a part of the MAP program in states like Uttar Pradesh and Gujarat, where stigma is rampant, 1,000 HIV-positive people gathered to march on the streets, donning T-shirts reading, "Positive yet can lead a healthy life." These people, who themselves are HIV-positive, have assumed the roles of change-makers. They encourage and motivate their peers to take a lead in positive prevention. पोस्टर में आने के लिए वो मुझे जब बताया गया कि आपका ये पोस्टर दिया जाएगा और अपने दोस्तों के लिए ही ये पोस्टर बना हुआ है, मैं ये कन्फ्यूज़न लेके था कि क्या सोचेगा समाज. वो पोस्टर लॉन्च हुआ ना, पोस्टर उसका, उसने मुझे पूछ के ही बताया था कि मैं पोस्टर दू या नहीं, और वो फोटो भी इतनी वो भेजी थी ना, तो उसने बोला कि तू मेरे साथ चल फोटो खिंचाने के लिए, तो वही फोटो आएगी. और जो फोटो मैंने साथ रहकर खिंचाई थी ना, वही फोटो पोस्टर में आई. आज अगर एचआईवी पॉजिटिव आपके सामने और खुले चेहरे से पूरी बत्ती से दिखा के खड़ा है, तो इसलिए के मर्दानगी को समझ सके. पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ये रियलाइज किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूपी में 3 पॉजिटिव लोगों ने अपने फेसेस सोसाइटी में दिए, और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि पॉजिटिव लोगों के बीच में भी एक रोल मॉडल के तौर पे हम लोग निकल करके आ पाए. दूसरे पॉजिटिव लोग भी आज जो सेल्फ स्टिग्मा से घिरे हुए थे, आज उनमें बहुत सा परिवर्तन आ रहा है.
पर्सनल व्यवहार, जैसे कि मैप का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे मतलब नज़र आया, जो पॉजिटिव प्रिवेंशन की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, ये बहुत बड़ा बदलाव आया कि जो भी हम लोग का है सेक्सुअल लाइफ है, सेफ सेक्स प्रैक्टिस वो करना ही है, इस बात का हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, साथ ही एक दूसरे के मतलब स्वास्थ्य के लिए भी, और जब भी सेक्स करना है तो कंडोम यूज़ करके ऐसे करके, और आगे हम लोग दूसरे लोगों को भी बताते हैं, इसकी जानकारी देते हैं पूरी। इस प्रोग्राम में सबसे जो अच्छी चीज़ हमको लगी, वो प्रोग्राम में हमको अच्छी चीज़ ये लगी कि अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा इंटरवेंशन प्रोग्राम पुरुषों को के लिए हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट महिलाओं के लिए था। पहले बहुत गुस्सा करता था, अब नहीं करता, और अब सब बात सुनता है मेरी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा हस्बैंड आज बहुत आगे निकल गया है। मर्द वही जिसकी सोच सही। मेनी मोर पीपल आर नीडेड टू बी इन्वॉल्व इन ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर, सो यू नीड सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स शुड बी कंडक्टेड एंड कैरिड आउट इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। दिस हैज बीन अ सक्सेसफुल मॉडल इन इम्प्रूविंग वुमेन्स लाइफ by engaging men in positive prevention. But this is just a pilot, a good but small beginning. I invite all partner organizations, donors, communities and the government to come forth and join hands to scale this up, to scale this model up, to meet the huge and immense needs in our country. An effort is an effort, however small it may be. Let's try and do what we can in our own way to make a difference and to make men as partners not just a project, but a lifestyle.